हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना नवानी। वेलकम टू बायकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, किसके साथ? अमोनिया एंड अमोनिया के डेरिवेटिव कंपाउंड के साथ। कुछ रिएक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, आज हम हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे एंड यहाँ पर सेमी कार्बोजाइड के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे। तो दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो कि हमारे पास अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं उनके साथ हम डिस्कस करेंगे। रिएक्शन विद हाइड्रोजीन, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसका इंट्रोडक्शन लिया था। रिएक्शन विद हाइड्रोजीन मींस एल्डिहाइड एंड कीटोन हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करेंगे। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन सबसे इंपॉर्टेंट, एल्डिहाइड एंड कीटोन जब हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करते मीडियम क्या होना चाहिए? एसिडिक मीडियम होना चाहिए। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन जब भी हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है हाइड्रोजीन का? NH2 × NH2। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन जब हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजोन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं होता है रिएक्शन में, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि H2O रिमूव हो रहा है, बाकी सारा जुड़ जाएगा। तो एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में जब एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, और मींस आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, डाइमिथाइल कीटोन है, ठीक है, तीनों अलग अलग तरीके से आपके पास एल्डिहाइड एल्डिहाइड है और कीटोन है। किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, किस तरीके से हाइड्रोजोन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपके पास ये एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजीन है, ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजीन है, किस तरीके से रिएक्शन करके फॉर्मल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन की फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ये एरोमेटिक रिंग के ऊपर हाइड्रोजीन है तो फिनाइल हाइड्रोजीन कहेंगे, यहाँ पर इसके साथ भी रिएक्शन करते हैं। सेकेंड है आपके पास रिएक्शन विद सेमी कार्बोजाइड, तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि कार्बोजाइड क्या होते हैं, ठीक है। तो सेमी कार्बोजाइड NH2 NH3 डबल बॉन्ड हो NH2, ये सेमी कार्बोजाइड होता है, ठीक है। ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? फर्स्ट कंडीशन में एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, मींस फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, डाइमिथाइल कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा, मींस एसीटोन के साथ रिएक्शन करेगा। तो अलग अलग प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट की क्या फॉर्मेशन होती है? अगर एल्डिहाइड और कीटोन सेमी कार्बोजाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाता है, क्या बनाएंगे? कार्बोजोन की फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्शन टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, अपना लॉजिक लगाना है यहाँ पर कि किसकी फॉर्मेशन होगी। अगर आपको इसकी ट्रिक समझ में आ गई या आप प्रीवियस लेक्चर में समझ गए कि किस तरीके से अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर इमीन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और किस तरीके से ऑक्सीम की फॉर्मेशन होती है, जब हम हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीम की फॉर्मेशन होती है, और इसके साथ हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजोन की फॉर्मेशन होती है। तो ये रिएक्शन हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है, और अमोनिया के जो डेरिवेटिव कंपाउंड है, हमने हाइड्रोक्सिल अमाइन पढ़ा, उसके बाद हमने हाइड्रोजीन पढ़ा, और थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम ये पढ़ रहे हैं सेमी कार्बोजाइड, इसके साथ रिएक्शन करने पर कार्बोजोन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजोन की फॉर्मेशन होती है, ऑक्सीम की फॉर्मेशन होती है, इमीन की फॉर्मेशन होती है। कैसे कैसे हो रही है, क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है? एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो रही है। अगर आपको एक चीज, एक रिएक्शन समझ में आ गया तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए तो रिएक्शन देखते हैं, देखिएगा HCHO मींस आपके पास कौन सा एल्डिहाइड है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करेगा किसके साथ? हाइड्रोजीन के साथ। हाइड्रोजीन का फॉर्मूला क्या होता है? NH2 × NH2। क्लियर? तो आपके पास ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन का फॉर्मूला NH2 × NH2, ये आपके पास हाइड्रोजीन है, हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन होगी। मीडियम क्या होगा? एसिडिक मीडियम होगा, एसिडिक मीडियम के में आपके पास क्या होगा? ये KOH होगा, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में इसने रिएक्शन कर दी HNH, सेम C डबल बॉन्ड, अब O की जगह O था, यहाँ पर H2 रिमूव हो जाता है। हर जगह हर रिएक्शन में आप यही देखोगे C डबल बॉन्ड NH2। तो ये क्या है? ये कौन सा एल्डिहाइड था? फॉर्मल्डिहाइड। तो क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजोन की फॉर्मेशन हो जाती है।
नेक्स्ट एसिटल्डिहाइड सी एच थ्री सी एच ओ एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, मीडियम क्या होगा एसिडिक मीडियम होगा, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में ही ठीक है ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन सी एच थ्री एंड एच सी सी डबल बॉन्ड एंड एनएच टू, क्या कॉमन है ये सब जगह आपके पास कॉमन मिल रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे देखिएगा ये क्या है आपके पास एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन की फॉर्मेशन होती है। अब आ जाइए बेंजीन रिंग के ऊपर हम रिएक्शन कराते हैं, ये आपके पास क्या है एच सी एच ओ फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद एरोमेटिक हाइड्रोजीन, तो इसको आप क्या कहेंगे फिनाइल हाइड्रोजीन, इसके साथ रिएक्शन करेगी मीडियम आपके पास क्या होगा मीडियम आपके पास एसिडिक मीडियम होगा, इसके साथ रिएक्शन करने पर एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में या एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करने पर एच एन एच सी सी डबल बॉन्ड क्या निकलेगा बाहर ये वाला एच टू और ये वाला ऑक्सीजन ठीक है, इस तरीके से आपके पास एच टू रिमूव हो जाता है और क्या बचा आपके पास सी डबल बॉन्ड एंड एंड एनएच ये वाला एनएच और ये आपके पास फिनाइल रिंग, तो क्या पढ़ेंगे ये कौन सा एल्डिहाइड था फॉर्मल्डिहाइड और ये कौन सी रिंग है फिनाइल हाइड्रोजोन, ये क्या है आपके पास हाइड्रोजोन, एच टू की जगह क्या है यहाँ पे बेंजीन रिंग जुड़ गई तो इसलिए हम इसको फॉर्मल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, क्या अंतर आया पहले हमें एच टू था लेकिन यहाँ पर एक और एरोमेटिक रिंग हमारे पास जुड़ गई तो इसलिए हम इसको फॉर्मल्डिहाइड फिनाइल दिस रिंग इज फिनाइल हाइड्रोजोन पढ़ रहे ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन की फॉर्मेशन हो जाती है तो यहां तक हमारे पास हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे हम अमोनिया के डेरिवेटिव्स में रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड ठीक है, तो सेमी कार्बाजाइड के साथ भी एक बार आप रिएक्शन को समझ लो कि बार बार आपकी समझ में आ जाएगी, कार्बाजाइड के साथ क्या कराएंगे फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद कार्बाजाइड एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विद कार्बाजाइड डाइमिथाइल कीटोन मींस एसीटोन रिएक्ट विद कार्बाजाइड, क्या कॉमन हो रहा है एच टू एलिमिनेट हो रहा है एच टू एलिमिनेट हो रहा है बार बार, मीडियम क्या होगा बार बार एसिडिक मीडियम है देखिएगा एच एच सी एच ओ रिएक्ट विद सेमी कार्बाजाइड ठीक है एनएच टू एनएच सी ओ सी डबल बॉन्ड ओ एनएच टू, अब क्या होगा यहां पर देखिएगा ये वाला एच टू ये वाला एच और ये वाला ऑक्सीजन निकल जाएगा तो एच एन एच सी डबल बॉन्ड ये वाला एन 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 एच ठीक है अगेन सी डबल बॉन्ड ओ एन एन एच टू प्लस एच टू ठीक है, सेकेंड सी एच थ्री एन एच मीन्स आपके पास ये क्या था फॉर्मल्डिहाइड ये आपके पास एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड इसके साथ सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इसमें भी क्या होगा एच टू ओ एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ से होगा ठीक है यहाँ पर भी एच टू ओ एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ से होगा ठीक है एच टू ओ रिएक्शन देखिएगा इसके साथ सी एच थ्री एंड एच सेम सी डबल बॉन्ड ओ एंड एन एच टू क्या कॉमन है ये सारी बातें एक ही सिमिलर है सभी में ठीक है देखिएगा आप डाइमिथाइल कीटोन के साथ रिएक्शन कर रहा है क्या है ये आपके पास सेमी कार्बाजाइड है एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेगा वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, आप दोबारा से देखिएगा ठीक है फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद सेमी कार्बाजाइड टू फॉर्म फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ तक आपके पास क्या है फॉर्मल्डिहाइड और ये क्या है आपके पास कार्बाजोन कार्बाजोन का हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन निकल जाते हैं बाहर तो फॉर्मल्डिहाइड कार्बाजोन की फॉर्मेशन हो जाती है ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये एसिटल्डिहाइड है एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेगा इसका एच टू और इसका ओ बाहर एलिमिनेट हो जाएगा एसिटल्डिहाइड कार्बाजोन की फॉर्मेशन करेगा सिमिलर है सब कुछ ठीक है, यहाँ पर किसके साथ डाइमिथाइल कीटोन रिएक्ट विद सेमी कार्बाजाइड तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी वहां से एच टू एलिमिनेट हो गया तो एसीटोन या डाइमिथाइल कीटोन लिख लीजिएगा सी डबल बॉन्ड एन एन एच सी डबल बॉन्ड एन एन एच सी डबल बॉन्ड एन एन एच एन सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू कॉमन, तो इसको हम कार्बाजोन कहते हैं
तो इस तरीके से एसीटोन कार्बोजोन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास कार्बन में, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जब दो आपके पास मिथाइल ग्रुप होते हैं वो एसीटोन है, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जब आपके पास एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है तो वो आपके पास एसिटाल्डिहाइड होता है, या आपके पास दो हाइड्रोजन होते हैं तो ये फॉर्मल्डिहाइड होता है। तो इस तरीके से हम इनका नॉमेनक्लेचर भी करते हैं, इस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन भी पढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन किस तरीके से अमोनिया के साथ रिएक्शन करके उसके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, और किस तरीके से वो अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करके कौन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑक्सीन की फॉर्मेशन होना, इमीन की फॉर्मेशन होना, और आपके पास हाइड्रोजोन की फॉर्मेशन होना, और सेमिकार्स, ये आपके पास जो ये कार्बोजोन की फॉर्मेशन होना, ठीक है, सारे टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट है। बस थोड़ा सा आपने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, कंसंट्रेट करना है जब आप रिएक्शन करोगे, थोड़ा सा आपको समझना है कि क्या सिमिलर है, किस तरीके से रिएक्शन हो रही है। तो आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।